ग्रामीण दिल्ली के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने अपनी कप्तानी में भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। खुशी के इस मौके पर बवाना में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पवन सहरावत को बधाई दी और कहा कि पवन ने देश, दिल्ली और अपने गाँव का नाम रोशन किया है। वहीं इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी के तहत पवन सहरावत को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सबसे पहले मैं पवन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार काम किया इन्होंने, दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आपके गांव का नाम रोशन किया। और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं एक साधारण से परिवार से निकले हुए पवन ने इतना संघर्ष किया, भी उनके कोच जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से मैट पे इन्होंने ट्रांजिशन करके और इतनी कम समय में इन्होंने तैयारी करके और ये मेडल जीता है। और इन्होंने कबड्डी केवल कबड्डी के मैदान में नहीं खेली, कबड्डी के मैदान के बाहर भी खेली। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से खेल के बाद मेडल किसी और देश के लिए अनाउंस हो गया था। फिर इन्होंने सबसे ज्यादा यही लड़ा था वहां पे उनसे, एशियन गेम वालों से, और भारत के लिए मेडल लेके आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई देता है कि बात केवल खेल की नहीं है, जिंदगी में भी आगे कहीं अन्याय भी होगा तो हमारा पवन आगे मिलेगा, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कभी केवल कबड्डी कबड्डी के मैदान में कबड्डी नहीं खेलेगा। तो आज की हमारी जो पॉलिसी है, आज की पॉलिसी के मुताबिक पवन को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। जल्दी हम इनके सम्मान में दिल्ली में, दिल्ली के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में एशियन गेम्स में पदक जीते हैं, उन सभी के सम्मान में एक साथ एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। उसमें पवन भाई को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे अपने गांव देहात से लगभग 20-25 कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरे को बताया गया, जो कि देश के, राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं। और 5 अर्जुन अवार्डी हैं, 1 कैर से है, 2 निजामपुर गांव से है, 1 बांकनेर से है, 1 जोमती से है। देखो, जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है। जो भी सतपाल जी भी कह रहे थे, दिल्ली में हमने 2-3 किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2-3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। फिर मिशन एक्सीलेंस है, जिसमें जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल ले आता है तो उसको तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाख रुपए उसको साल के दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कोच रखना है वो रख सके, तो 16 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो गांव देहात में जब भी जाता था, एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी, जी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे गांव देहात से निकलते हैं, लेकिन गांव देहात में खेलने की सुविधा बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, एक तो ये बवाना स्टेडियम जो है, इसको पूरा चमका दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा, 16 करोड़ रुपए इस बवाना स्टेडियम को रिनोवेशन करने के लिए खर्च किए गए हैं। नजफगढ़ में नया स्टेडियम, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। कैर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। मुंडेला में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। पुटकला में सिंथेटिक ट्रैक बन के तैयार हो गया है। प्रहलादपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। कटेवड़ा में सैंक्शन हो गया और बहुत जल्दी बन जाएगा। मित्राओं गांव में, झड़ोदा में, समसपुर में, इन सब जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मात्र 7 साल के अंदर किसी सरकार ने, मैं नहीं समझता कि गांव देहात के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कभी काम किया होगा। और अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग है आपके गाँव देहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्र सर्वप्रथम।